इंटीरियर्स एज पर वास्तु. ओके हाँ मैम, ओके. यस तो हमने लास्ट टॉपिक क्या किया था, एनीवन कैन रिकॉल इट? गो थ्रू योर पेजेस नोटबुक, कुछ याद है क्या हुआ था? यस, हाउ टू सिलेक्ट प्लॉट, करेक्ट, एग्जैक्टली ऐश्वर्या, यू रिमेम्बर इट वेरी वेल. अच्छा, अभी हम देखते हैं कि प्लॉट सिलेक्शन का तो हो गया टॉपिक, लेकिन जैसे हमने पढ़ा था कि डायरेक्शंस में ये मेन डायरेक्शन होते हैं और सब डायरेक्शंस होते हैं, तो कभी कभी प्लॉट या कोई भी वास्तु डायगोनल भी हो सकता है. दैट मीन्स मेन डायरेक्शन जो है वो कॉर्नर में चली जाती है और सब डायरेक्शन है वो जहां पे एक्चुअली कॉर्नर में होने चाहिए वहां पे दीवारें होती है, वॉल्स होते हैं. दैट मीन्स नॉर्थ बिकम अ कॉर्नर इन द कॉर्नर एंड नॉर्थ ईस्ट पे वॉल आती है. नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे दीवारें होती है. आइडियली कैसे होना चाहिए? नॉर्थ में दीवार होनी चाहिए, कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, राइट? लेकिन ये डायगोनल प्लॉट में उल्टा होता है, तो इसको वास्तुशास्त्र में बोलते हैं विदिशा प्लॉट. क्या बोलते हैं? रिमेम्बर दिस बेटा, हाँ, विदिशा, दैट मीन्स डायगोनल प्लॉट. इफ यू वॉन्ट टू राइट दिस, यू कैन नोट डाउन अबाउट इट. मैं स्लोली बताती हूँ कि वॉट इज विदिशा और डायगोनल प्लॉट. द मेन डायरेक्शन आर इन द कॉर्नर एंड सब डायरेक्शन आर विथ वॉल्स एंड फोर वॉल. ओके, और एनी प्लॉट इज कंसिडर्ड लाइक दैट. मेन डायरेक्शन आर ऑलवेज इन द कॉर्नर इन द डायगोनल प्लॉट और वास्तु. ठीक है, तो इसका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम्प्लीट चेंज हो जाती है बिकॉज द एलिमेंट बिकम द पावरफुल एंड जो भी कॉर्नर में देवता होते हैं या जो मेन डायरेक्शन होते हैं उनकी पावर कम हो जाती है. और जैसे अभी आप जानते हो कि एज पर वास्तुशास्त्र ऐसे गूगल पे बताते हैं या इन जनरल जो भी वास्तु जिन्होंने थोड़ा बहुत सीखा है वो ऐसे ही पब्लिसिटी करते कि साउथ डायरेक्शन इज नॉट गुड फॉर एनीवन, साउथ की एंट्री ठीक नहीं है, ऐसा गलत प्रचार करते हैं. व्हाट हैपन कि लोगों ने नॉर्थ एंट्री का साउथ एंट्री का घर लेना बंद ही कर दिया. पीपल डू नॉट प्रिफर साउथ एंट्रेंस व्हाइल परचेसिंग द हाउस. तो अब क्या हो गया, बिल्डर्स लोग ज्यादा ब्रिलियंट है, जीनियस हो गए और उन्होंने अपना दिमाग ऐसे लगाया कि उन्होंने बिल्डिंग सारी डायगोनल बना दी शुरू कर. नाउ यू कैन सी ऑलमोस्ट एवरी बिल्डिंग इज डायगोनल. तो साउथ में दरवाजा आता ही नहीं है, जो दरवाजा आता है या तो नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में है या साउथ में, साउथ वेस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में. ओके, तो ये भी एक दोष है कि मेन एंट्रेंस अगर प्रॉपर नहीं है तो वो भी दोष होता है. और डायगोनल वास्तु इटसेल्फ इज अ दोष, वास्तु दोष, तो इसके लिए ट्रीटमेंट या रेमेडीज करने पड़े. तो वाई सिलेक्टिंग द प्लॉट और एनी वास्तु यू नीड टू कंसिडर वेदर द प्लॉट और वास्तु इज डायगोनल और नॉट. ये क्लियर है? कुछ लिखना है आपको? कैन आई वेट फॉर 2 मिनट? अरे बताओ तो सही. क्लियर है मैम? या तो डू यू वांट टू राइट, हैव आई एक्सप्लेन करना हो? चार से मैंने फास्ट मैम एक्सप्लेन किया. एक बार रिपीट करो ना प्लीज. हाँ ओके, मैं आप मैं स्लो बताती हूँ, आप लोग लिख लो. ओके, डायगोनल प्लॉट, व्हाट इज डायगोनल प्लॉट और डायगोनल वास्तु? मेन डायरेक्शंस आर इन कॉर्नर एंड सब डायरेक्शंस आर इन द प्लेस ऑफ मेन डायरेक्शन. That means all the walls are in the subdirection. That means main directions है वो corner में चली जाती है और जो walls है वो north east, south east, south west और north west में वो घर की या वो वास्तु की walls रहती है, कोई भी बंगला हो, फैक्ट्री हो. तो इसको बोलते हैं विदिशा वास्तु या फिर डायगोनल प्लॉट.
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अभी जो देखते हैं 99% बिल्डिंग्स और वास्तुआ सीन लाइक दिस, स्पेशली मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, दादर, यहाँ पे जो भी नए घर है वो डायगोनली बिल्डिंग बना रहे तो बिल्डर। ओके मैम अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप चाहे तो नोट्स ले लो, मैं स्लोली बताती हूँ आपको, जो है वो मेन एंट्रेंस का मैम है। या ये डायगोनल वाला इस पर वापस एक्सप्लेन करो ना। ओके कैसे होता है कि कभी भी मेन डायरेक्शन हम अगर घर में रहते हैं, ठीक है, तो मेन डायरेक्शन हमारे सामने वाली दीवार पे होनी चाहिए, तो हमारे सामने होना चाहिए, ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो चाहे साउथ हो या नॉर्थ। एक बात आता कि जो डायरेक्शन है मेन डायरेक्शन है वो सब डायरेक्शन में चली जाती है, और एक्सक्यूज में फोन आया। ओके तो अभी समझ में आ गया कि नहीं? अभी मैम बीच में आवाज ब्रेक यस हुआ था, मैम। एक्चुअली आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, व्हाट इज डायगोनल प्लॉट? डायगोनल प्लॉट में जो मेन डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये डायरेक्शंस कॉर्नर में होती है। कॉर्नर में क्या होना चाहिए? एक्चुअली सब डायरेक्शंस होने चाहिए कॉर्नर में। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड ये सब चारों मेन डायरेक्शन, सब डायरेक्शन से वो होनी चाहिए। लेकिन व्हाट हैपेंस कि वो मेन डायरेक्शन बन जाते हैं, सब डायरेक्शन है वो मेन डायरेक्शन बन जाते। तो इससे क्या होता है कि पूरा एनर्जी सर्कल है वो वास्तु का बदल जाता है। ओके लाइक कि हमारा अगर पूरा हम शरीर को देखते हैं, तो उसमें अगर बॉडी पार्ट्स को, या आप देखो वास्तु पुरुष को, अगर श्रिंक होता है, मतलब एक ही उसका सर बहुत एक्सटेंड हो गया है, या एक ही पार्ट बॉडी पार्ट है वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया है, तो कैसे और हो जाएगा ना उसको। ऐसे ही वास्तु में भी अगर सब डायरेक्शंस मेन डायरेक्शन बन जाते हैं, मतलब सब डायरेक्शन जहां पे है वहां पे अगर वॉल्स आते हैं, तो वो पूरा वाइब्रेशन वहां का घर का बदल जाता है, और उनको कंटिन्यूअस ऑब्स्टेकल्स लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, या बीमारियां उनको फेस करनी पड़ती है। सो विदिशा वास्तु इटसेल्फ इज अ बिग वास्तु फॉल्ट। ओके तो वेल सिलेक्ट, कभी अगर किसी को प्लॉट लेना है, फ्लैट लेना है, घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करना है, तो विदिशा नहीं करना चाहिए, डायगोनल नहीं करना चाहिए। मेन डायरेक्शन से वहां पे दीवारें होनी चाहिए, और सब डायरेक्शन जो है वो कॉर्नर में होने चाहिए। अभी समझ में आ गया? हाँ मैम बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ड्राइंग करते हो तो नॉर्थ ईस्ट और जो जहां पे लाइन खींचते हो वहां पे दीवार होती है, वहां पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट आता है। ओके तो इसका जो है परिणाम बहुत अलग होता है। जो प्राणिक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा है, वो एनर्जी सर्कल ही चेंज करते, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पार्ट, जो एंट्रेंस है। अभी हम एक्चुअली इंटीरियर वास्तु में जा रहे हैं, सो ये जो अभी के आगे के टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्लोली आपको बताऊंगी, लेकिन आपको नोट्स लेना जरूरी है, बिकॉज ये किसी भी बुक में नहीं है, पूरा ऐसा एक साथ में किसी भी बुक में नहीं है, ये स्कैटर्ड नॉलेज है ये। सो आपको नोट्स ही लेना बेटर होगा, यू विल रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है।
तो ओके अभी हम मैम, एंट्रेंस एंट्रेंस का देखते हैं। तो मेन एंट्रेंस अगर ईस्ट में है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है तो अच्छा होता है। हाँ, आप लिख लो डायरेक्शन एंड इफेक्ट, ऐसे दो कॉलम बनाना, एक वो डायरेक्शन, दूसरा कॉलम है इफेक्ट। तो आई विल डिक्टेट एंड विल नोट इट डाउन, ठीक है? तो फर्स्ट आता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दैट मीन्स ईस्ट अगर सेंटर में है तो उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में वो डोर होता है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का इफेक्ट है, हैप्पीनेस, वेल्थ, एडिशन इन रेपुटेशन ऑफ द फैमिली हेड। रिपीट करती हूँ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इफेक्ट, हैप्पीनेस, वेल्थ, इंक्रीज इन फैमिली, दैट मीन्स वहां पे आसानी से बच्चों का जन्म वगैरह होने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। चाइल्ड बर्थ इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। इंक्रीज इन फैमिली, एडिशन इन रेपुटेशन ऑफ द फैमिली हेड, दैट मीन्स द पर्सन जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका सोसाइटी में अच्छा स्थान होता है, महत्व अच्छा होता है। ये समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम। एंड अभी नेक्स्ट है ईस्ट, जो सेंटर ऑफ द ईस्ट में अगर मेन एंट्रेंस है तो ईस्ट में क्या होता है, वेल्थ एंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन। जहां पे भी ईस्ट में एंट्रेंस मेन एंट्रेंस है वहां पे बच्चों का करियर ब्राइट होता है, फ्यूचर ब्राइट होता है, और वहां पे सक्सेस एंड वेल्थ इज वेरी नेचुरली, इट इज इन दैट फैमिली यू कैन सी। उसको एक श्लोक भी है कि पूर्वे प्लवे लक्ष्मी, मतलब पूर्व में अगर स्लोप है या पूर्व की ऊर्जा अगर घर में आ रही है तो सारा कुछ आनंद है, वेल्थ है। बच्चों का स्पेशली करियर बहुत अच्छे से होता है। और इसके ऑपोजिट अगर है तो क्या होता है, ईस्ट अगर क्लोज है तो क्या होगा, इसका सब कुछ ऑपोजिट होगा कि बच्चे बहुत ही पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही, या बच्चे बहुत जीनियस है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। यू नो सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी सीन। सो ईस्ट का क्या है, वेल्थ एंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन एंड करियर। नाउ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब जो साउथ ईस्ट है, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो डोर आता है उसको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बोलते हैं। वहां पे क्या होता है, दरवाजा है तो बच्चों को परेशानी होती है और जो पैसा कमाया है वो वेस्ट होता है। तो ट्रबल्स फॉर सन इन द फैमिली, वेस्ट ऑफ मनी, और ऐसे घर में आग लगने का हो सकता है, इंसिडेंस हो सकता है, जैसे शॉर्ट सर्किट है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो ट्रबल फॉर द सन इन द फैमिली, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, सडन एक्सपेंडिचर वी कैन से, और फायर इंसिडेंसेस कैन बी सीन अगर एंट्रेंस ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है तो। नेक्स्ट है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, जो कॉर्नर में आता है, तो ये बहुत ही बुरा होता है। ऐसे देखा गया है कि ईगो बहुत होती है ऐसे फैमिली मेंबर्स, कुछ ज्यादा कुछ उनका लाइफ में उन्होंने किया नहीं लेकिन बहुत ही अहंकारी होते, और ये उनके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होता है। ये आप ऑब्जर्व करो, अगर आपके कोई पहचान वाले हैं तो यू कैन ऑब्जर्व सच थिंग। तो इसमें वाइफ के लिए ठीक नहीं होता है। साउथ ईस्ट एज पर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का जो हमारा आकाश का जो मैप है प्लैनेट्स है, उसमें साउथ ईस्ट में शुक्र ग्रह होता है, और शुक्र ग्रह मीन्स घर में जो भी फीमेल्स है या जो हेड ऑफ द फैमिली उसकी जो वाइफ है उसका शुक्र ये कारकत्व होता है आस्पेक्ट। तो अगर साउथ और साउथ ईस्ट में अगर एंट्री है या दोष है तो वाइफ के लिए ठीक नहीं होता है।
और वो घर में हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे हार्ट अटैक है या ब्लड सर्कुलेशन का डिसऑर्डर देखा जाता है। ये समझ में आ गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैन हाँ मैम, एनी वन रिप्लाई? यस मैम। या ओके। नाउ नेक्स्ट इज साउथ एंट्रेंस। अगर मेन एंट्रेंस साउथ में है तो क्या होता है? मेंटल इलनेस होता है वहां पे। घर के फैमिली मेंबर्स में कोई तो कोई साइकोलॉजिकल या तो एंजाइटी डिप्रेशन ऐसे देखा जाता है। सो मेंटल इलनेस इन द फैमिली मेंबर, देन फाइनेंशियल एंड फिजिकल ट्रबल्स। जो कमर के नीचे का हिस्सा आता है अपने शरीर का, वो इसमें वो देखा जाता है। शरीर के ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ और वो पोर्शन होता है। तो यहाँ पे साउथ एंट्री है या साउथ में कोई दोष है तो उनको कमर के नीचे का जो पोर्शन है उसकी बीमारियां देखी गई है। घुटनों का दर्द है या फिर फ्रैक्चर हो गया या फिर कुछ तो वहां पे गैंग्रीन हो गया, कमर दर्द है, ऐसे कुछ देखा गया है। और ऐसे अगर वास्तु है तो इसमें ये भी देखा गया कि वो इंसान एफर्ट्स बहुत मतलब बहुत कोशिश करता है, वो बहुत ही जीनियस होता है, हार्डवर्किंग है, फिर भी उसको फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिलती है, और या मिलती है तो भी जल्दी से वो फेल्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जो भी कमाया वो किसी न किसी तरीके से पैसा डूब जाता है, लॉस होता है। तो साउथ में एंट्रेंस है तो ये दोष पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आपको स्लो नहीं हो रहा है, फास्ट नहीं हो रहा है ना? इज स्पीड इज नो ओके मैम। फॉर यू? या बिकॉज नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और देन नेक्स्ट इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये सबसे बुरा, मतलब मैंने जितना भी काम किया 20 सालों में, सबसे बड़ा दोष ये है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। और इसमें देखा गया है कि जो अर्निंग की, जो पैसा कमाने की जिम्मेदारी है, वो किसी ना किसी तरीके से वो फीमेल पे आ जाती है। बिकॉज ऑफ आइदर हस्बैंड का जॉब चला जाता है या बिजनेस लॉस होता है या फिर वो उसकी डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ वी कैन से। ये कभी होता है अगर साउथ वेस्ट है और साउथ वेस्ट के पास ही अगर लिफ्ट है, यू नो, एक तो सन डायरेक्शन में एंट्री है और उसके बाजू में लिफ्ट, दैट मीन्स वहां पे इट्स लाइक अ वेल ना। हमने देखा है कि साउथ साउथ वेस्ट में वेल नहीं होना चाहिए, पावड़िया नहीं होना चाहिए। तो लिफ्ट ऑल्सो वर्क जस्ट लाइक द वेल। वहां पे बहुत डिप्रेशन बड़ा हो जाता है, और जितनी हाई राइज बिल्डिंग है उतना। वहां पे ये देखा गया है कि साउथ वेस्ट में एंट्री है और वहां पे लिफ्ट है, तो वो घर का जो मेन हेड ऑफ द पर्सन है, मेल मेंबर, उसकी कमाई बंद हो जाती है कुछ सालों के बाद में, 40s में। ओके और फिर लेडीज को भी ये परेशानी होती है। एंड लोन्स उनको बहुत, कर्जे बढ़ जाते हैं उनके, कर्जे चुका नहीं पाते वो। और फिर बैंक का वगैरह उनको नोटिस आना, ये सब आगे विशेष सर्कल में वो फंस जाते, दुष्ट चक्र में फंस जाते वो कैन से। तो साउथ और साउथ वेस्ट के सबसे बड़ा दोष है जो मेन एंट्रेंस वहां पे नहीं होना चाहिए। अभी नेक्स्ट है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है। मतलब अगर कॉर्नर है, साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, वहां से हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पे ये एंट्री होती है। तो इसमें क्या होता है कि सफरिंग ऑफ फैमिली हेड ऑफ द पर्सन, इसको टेंशन रहता है किसी न किसी चीज का। ये घर में चलो सुख शांति है, लेकिन उसके ऑफिस में ही कुछ तो उसे परेशानी, यू नो, ऐसे कुछ भी उसको हमेशा वो स्ट्रेस में रहता है। मैंने देखा एक फैमिली में कि बहुत अच्छी फैमिली, वेरी लविंग केयरिंग रिलेशंस है उसमें, लेकिन उसकी जॉब के यहाँ पे उसको इतना प्रेशर है कि उसको हेडेक लग गया। मतलब सालों से हेडेक है उसका, बहुत दवाई की लेकिन नहीं जा रहा है। तो ऐसे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में एंट्री है तो ऐसे देखा जाता है। और क्या देखा जाता है, ऐसे घर के जो मेल होते हैं, जो मेल पर्सन होते हैं, उनका कैरेक्टर ठीक नहीं रहता है। ओके और एक्सीडेंट्स होने का चांस भी इसमें ज्यादा होता है, बिकॉज वेस्ट जो दिशा है वहां पे सैटर्न की सत्ता होती है, शनि ग्रह की सत्ता होती है, ठीक है, तो वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। अभी जो मैं बताती हूँ वो 100% लागू नहीं होता है कि
मतलब एक मेन डोर से ये ऐसा ही हो गया ऐसे नहीं। तो आप कभी देखो किसी का दरवाजा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में है और आप बोल दो उनको अरे आपका कैरेक्टर खराब है, ऐसे मत करना कभी भी, ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम, हाँ, क्योंकि वास्तु से कॉम्प्रिहेंसिव हमारा एक सब्जेक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव देखना चाहिए। सारी दिशाएं, ऊर्जाएं, तत्व वहां के कलर्स है, फिर कहाँ पे क्या पोजीशन है, सब कुछ देख के हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक देखा दरवाजा और किसी को बोल जा रही तेरा कैरेक्टर खराब है, ऐसे कुछ कभी भी मत करना। ओके, आधा ज्ञान खतरे जान, तो पूरा ज्ञान ले लो फिर कुछ भी करो। ओके, नेक्स्ट इज वेस्ट डायरेक्शन में अगर एंट्री है तो क्या होता है कि पैसा मिलता है उनको, व्यापार में वृद्धि होती है। नॉर्मली ऐसे लोग मनी माइंडेड देखे जाते हैं और उनका जो गोल है वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में पैसा कमाना यही होता है। उसमें उनको फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, शेयर मार्केट में गेन्स होते हैं उनको, वो पूजा वगैरह करने वाले हैं, बहुत करने वाले होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। ओके, तो इसमें वेस्ट में क्या फल है उसका? मनी गेन्स है और वो गॉड फियरिंग होते हैं, मतलब भगवान को मानने वाले होते हैं श्रद्धालु, उनको स्पिरिचुअल भी अच्छा लगता है। वाई? बिकॉज वहां पे एयर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट इज कनेक्टेड विद द क्लोज टू आकाश स्पेस एलिमेंट एंड कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी। जो हमारे ऊपर के चक्रास है, जैसे अभी हार्ट के यहाँ पे अनाहत है, उसके ऊपर विशुद्धि, ऐसे चक्रास होते हैं, तो वेस्ट में एयर एलिमेंट की वजह से स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं और उनका फैमिली की तरफ इतना कुछ अटैचमेंट नहीं होता है। ओके, क्लियर है? अभी समझ में आ गया ये पॉइंट? मैम ये यस पॉइंट मैम, फिर से रिपीट कर लो प्लीज, थोड़ा फास्ट हो कौन रहा सा है। वेस्ट? वेस्ट वाला? हाँ, हाँ, वेस्ट में अगर मेन एंट्रेंस है तो मनी मनी गेन्स गेन्स होते होते हैं, हैं, बिजनेस बिजनेस गेन्स गेन्स होते हैं। फिर द द पर्सन पर्सन इज इज गॉड गॉड फियरिंग फियरिंग और और वी वी कैन कैन से से की की वर्शिपिंग। वर्शिपिंग। और बिकॉज ऑफ दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एयर एलिमेंट, तो वो उनको उनको स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी में में इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता होता है है और और उनका उनका एक एक और और इसमें इसमें देखा देखा गया गया है है कि कि बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा फोकस फोकस रहते रहते हैं हैं बिजनेस बिजनेस या या कुछ कुछ अति अति करते करते वो वो कुछ कुछ एयर एयर एलिमेंट एलिमेंट इज इज द द अति अति करते करते कुछ कुछ भी भी तो तो इससे इससे उनके उनके हेल्थ हेल्थ में में बैलेंस बैलेंस होता होता है। है। एक्सेस एक्सेस एयर एयर एलिमेंट एलिमेंट इन इन द द बॉडी बॉडी इटसेल्फ इटसेल्फ क्रिएट क्रिएट सो सो मेनी मेनी इश्यूज। इश्यूज। वात वात के के विकार विकार देखे देखे जाते जाते हैं। हैं। वात वात पित्त पित्त कफ कफ होते होते हैं हैं ना ना आयुर्वेदा आयुर्वेदा में, में, उसमें उसमें वात वात के के विकार विकार देखे देखे जाते जाते हैं। हैं। अभी अभी नेक्स्ट नेक्स्ट है है वो वो वेस्ट वेस्ट ऑफ ऑफ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, मतलब मतलब कि कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट और और वेस्ट वेस्ट के के बीच बीच का का जो जो पोर्शन पोर्शन है है वहां वहां पे पे ये ये मेन मेन एंट्रेंस एंट्रेंस आता आता है। है। तो तो इसमें इसमें ऐसे ऐसे देखा देखा गया गया है है कि कि डिस्प्यूट्स डिस्प्यूट्स होते होते हैं, हैं, कोर्ट कोर्ट केसेस केसेस होते होते हैं, हैं, या या फिर फिर जैसे जैसे अभी अभी ईडी ईडी का का ये ये हो हो गया गया थाने थाने में, में, या या फिर फिर वो वो मिस्टर मिस्टर भोसले भोसले है है पुणे पुणे में, में, उनका उनका भी भी ईडी ईडी का का उन्होंने उन्होंने उनको उनको जेल जेल में में डाला डाला है। है। ऐसे ऐसे केसेस केसेस कहाँ कहाँ पे पे देखे देखे तो तो अगर अगर वेस्ट वेस्ट ऑफ ऑफ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट में में एंट्री एंट्री है है या या फिर फिर वहां वहां पे पे एक्सटेंशन एक्सटेंशन है, है, कोई कोई भी भी दोष दोष है है तो तो वेस्ट वेस्ट ऑफ ऑफ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट का का क्या क्या इफेक्ट इफेक्ट होता होता है? है? फर्स्ट फर्स्ट है है फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रॉब्लम फॉर फॉर मेल्स, मेल्स, डिस्प्यूट्स डिस्प्यूट्स इन इन कोर्ट्स, कोर्ट्स, लिटिगेशन, लिटिगेशन, और और इनको इनको इल्यूजन इल्यूजन नहीं नहीं होता होता है। है। मतलब मतलब एक एक क्या क्या जो जो भी भी कुछ कुछ करना करना है है तो तो एक एक विजन विजन होना होना चाहिए चाहिए कि कि कैसे कैसे करना करना है, है, क्या क्या क्लैरिटी क्लैरिटी होनी होनी चाहिए। चाहिए। तो तो ये ये लोग लोग इम्पल्सिव इम्पल्सिव होते होते हैं, हैं, उनके उनके डिसीजंस डिसीजंस बहुत बहुत ही ही शॉर्ट शॉर्ट गेन्स गेन्स के, के, मतलब मतलब अभी अभी का का फायदा फायदा देखते देखते हैं, हैं, लेकिन लेकिन उसकी उसकी वजह वजह से से आगे आगे क्या क्या नुकसान नुकसान होगा होगा उसके उसके बारे बारे में में वो वो नहीं नहीं सोचते सोचते हैं। हैं। एंड एंड बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ दैट दैट दे दे बिकम बिकम अ अ बिग बिग ट्रबल ट्रबल फॉर फॉर सोसाइटी सोसाइटी एज एज वेल। वेल। ऐसे ऐसे वेस्ट वेस्ट ऑफ ऑफ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट का का मेन मेन एंट्रेंस एंट्रेंस का का इफेक्ट इफेक्ट है। है। अभी अभी नेक्स्ट नेक्स्ट आता आता है है वो वो नॉर्थ नॉर्थ ऑफ ऑफ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट के के बाद बाद में में अगर अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट का का नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट की की पूरी पूरी दीवार दीवार है, है, तो तो वहां वहां पे पे अगर अगर राइट राइट साइड साइड में में देखते देखते हैं हैं तो तो वो वो नॉर्थ नॉर्थ ऑफ ऑफ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट आता आता है। है। तो तो यहाँ यहाँ पे पे फर्स्ट फर्स्ट की की शांति शांति होती होती है है घर घर में में बहुत, बहुत, वो वो लोग लोग जो जो है है उसी उसी में में खुश खुश रहने रहने वाले वाले होते होते हैं, हैं, हैप्पीनेस हैप्पीनेस होता होता है है उनके उनके मन मन में, में वो वो आनंद आनंद रहे रहे आनंद आनंद रहता रहता है। है। ज्यादा ज्यादा बहुत बहुत कुछ कुछ उनको उनको लाइफ लाइफ में में नहीं नहीं चाहिए चाहिए होता, होता, दे दे आर आर वेरी वेरी
हैप्पी विद वॉट एवर दे हैव। तो ये घर की लेडीज होती है, ये फीमेल की गर्ल्स की भी दिशा मानी जाती है, वो बहुत ज्यादा बाहर उनका रुझान रहता है, उनको बाहर रहना ज्यादा अच्छा लगता है और वो इंटरनेशनल ट्रेवल्स या ये भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो लेडीज रोमिंग रहते हैं, रोमिंग आउट, और वो घर में ज्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा है, इसमें फैमिली एंड फैमिली में हैप्पीनेस एंड पीस रहता है। अभी नेक्स्ट है वो नॉर्थ में, अगर मेन एंट्रेंस है तो ये सबसे अच्छा माना गया है, जो वास्तु पुरुष मंडला में जिसको भल्लाट देवता होती है, यहाँ पे नॉर्थ में मनी गेन्स, रेपुटेशन और हैप्पीनेस, मतलब सब कुछ मिलता है अगर नॉर्थ में मेन एंट्रेंस है तो नेचुरली वो अच्छी सी ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। मेन एंट्रेंस का रोल ऐसा है कि जैसे हमारे हम खाना खाते हैं ना, वो मुंह से खाना खाते हैं ना, वो हम डाइजेस्ट करते हैं और हमारे शरीर में जाता है, वही रोल वास्तु वास्तु में एक मेन एंट्रेंस का होता है, तो वहां पे ऊर्जा प्रवेश करती है। दैट इज व्हाई मेन एंट्रेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट एंट्री है, ये क्लियर हो गया पॉइंट? डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट दिस? या पास नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम। तो अभी नॉर्थ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक एंट्री होती है, ये कैसे विदिशा में भी आप देख सकते हो ये सारा, और इसमें भी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी मेन एंट्रेंस तो अच्छा होता है, वहां पे भी हैप्पीनेस है, वेल्थ है, क्रिएशन करते हैं ये लोग, और फैमिली रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, हेल्थ भी अच्छी होती है, ओवरऑल इनकी लाइफ में एक बैलेंस होता है। और ये फैमिली मतलब जो बोलते हैं ना कि अगली जनरेशन तक उनका पैसा इतना बनता है कि अगली जनरेशन में जाता है वो बिजनेस, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ऐसा इतना बिजनेस हो चाहे ग्रोथ हो, ऐसी अच्छी हो जाती। नाउ अगर कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि कोई दरवाजा कोई घर है वो एल शेप है, ठीक है, दैट मीन्स दो डायरेक्शन कम्प्लीटली कट हो गई है और मेन एंट्रेंस आता है वो कॉर्नर में कहीं आ गया, तो वो कहाँ पे आता है? ब्रह्म स्थान में आता है, तो ये सबसे बड़ा दोष होता है। तो इसमें ऐसे घर में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट देखे जाते हैं, उसमें वंश वृद्धि नहीं होती है, दैट मीन्स कि घर में बच्चे नहीं होना या पूरे वो घराने में नहीं होना, ऐसे बहुत सारे बैड इफेक्ट्स उसके देखे जाते हैं, और ट्रिमेंडस फाइनेंशियल लॉसेस, मेंटल ट्रबल्स एंड बच्चे नहीं होना, संतति नहीं होना, ये सब दोष है अगर सेंटर ऑफ द वास्तु के वास्तु में मेन एंट्रेंस है। तो ये एंट्रेंस का समझ में आ गया सबको? यू हैव एनी डाउट्स? नो मैम। या ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डोर, तो हम एक मिनट का दो मिनट का सिर्फ ब्रेक लेते हैं बिफोर शिफ्टिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, सो दैट यू कैन रीड वंस और जस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोर का, वो एज पर वास्तु डोर कैसे होना चाहिए। तो ये जो डोर का एज पर वास्तु में बता रहे हैं वो सेफ्टी डोर के लिए नहीं है, जो मेन कंस्ट्रक्शन में जो डोर बनाते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि डोर फ्रेम शुड बी मेड विथ क्वालिटी ऑफ गुड वुड, दैट मीन्स ताक का होना चाहिए या फिर देवदार का होना चाहिए या साल का होना चाहिए, तीन लकड़ियां है ना, यही अच्छा है, बेस्ट है सबसे साग की लकड़ी। तो द क्वालिटी ऑफ द वुड फॉर द डोर शुड बी अ बेस्ट वन, ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस मैम। यस, अभी नेक्स्ट आता है वो डोर फ्रेम कैसी हो मैम? डोर फ्रेम या फिर से बताऊं ना प्लीज? हाँ, जो मेन डोर, ये जो वास्तु वास्तु का हम डोर का जो स्टडी कर रहे हैं वो सेफ्टी डोर के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं होता है, मेन जो दीवारों में हिंजेस बना के जो कंस्ट्रक्शन टाइम पे जो डोर होता है उसको ये एप्लीकेबल है, और इसमें क्वालिटी ऑफ द वुड यूज फॉर फॉर दैट डोर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उसमें कौन सा अच्छा होता है? एक तो सबसे बेस्ट है साग, दूसरा होता है देवदार, और तीसरा होता है साल, एक लकड़ी आती है वो, ये सबसे बेस्ट है। अभी कैसे बनाते हैं आजकल कंस्ट्रक्शन में, कमर्शियल प्लाई यूज करते हैं जो बिल्कुल खराब होता है, उसकी लॉन्गिटिविटी ठीक नहीं रहती। लेकिन पुराने जमाने में काफी ही सालिया शीशम के दरवाजे होते, तो ये डोर के बारे में हो गया। अभी डोर फ्रेम कैसी होनी चाहिए? एक तो स्ट्रेट होनी चाहिए, जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कहीं भी टिल्टेड होती है तो क्या होता है, वो फैमिली में अनयूजुअल या अनटाइमली डेथ होती है, या अगर अंदर की तरफ झुकाव है, टिल्टेड, इफ द डोर फ्रेम इज टिल्टेड इनसाइड, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनयूजुअल या अननेचुरल डेथ इन द फैमिली, लाइक सुसाइड हो गया और या एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कुछ हो गया, या फिर कोरोना से ही हो गया, ऐसे कुछ हो सकता है। और अगर डोर फ्रेम टिल्टेड आउटसाइड है, मतलब घर के बाहर की तरफ डोर फ्रेम का झुकाव है, तो वहां पे चोरी होने की संभावना होती है। डोर फ्रेम टिल्टेड आउटसाइड इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट इन दैट हाउस। और क्या हो सकता है कि जो घर का जो मुख्य मेन पर्सन है उसको बाहर ही रहना पड़ता है, उसका जॉब ऐसे हो जाता है कि वो बाहर ही कहीं एक दूसरे शहर में उसको घूमना पड़ता है, और घर का खाना है या घर में रहना उसको ज्यादा नसीब में नहीं होता है। When the door frame is tilted outside the house, outside the frame. Now, अभी बहुत से पूछते हैं लोग कि एक दरवाजा हो या दो दरवाजा हो, फ्लैश सिस्टम में तो ये दो दरवाजा दो फ्रेम का ये नहीं हो सकता है। अगर खुद का घर बनाते या बंगलो है तो वहां पे ये पॉसिबल है, विच इज एडवाइजेड। कोई भी दरवाजा हो वो एक ही मटेरियल से बनाना चाहिए, द डोर मेन डोर शुड बी मेड विद वन मटेरियल ओनली, ओके। और जो आयरन है वहां पे, वुडन के आयरन है, वो भी एक ही की, एक जो है वहां पे एक साइड पे एक आयरन का यूज किया है, दूसरी जगह पे दूसरा, ऐसा नहीं, एक आयरन का और लेके उसमें ही वो बनाया हुआ होना चाहिए। ये अभी मॉडर्न इसमें इतना पॉसिबल नहीं होता है, बट वी कैन सी कि क्लोज टू दैट वी कैन डेफिनेटली अचीव दिस थिंग, ओके। अब नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि डोर्स में कभी कभी देखा, हाँ जी बताइए, बोलिए। डोर का जो आपने बोला ना, कौन सा साल, देवदार और थर्ड वाला क्या था? साग, देवदार, शीशम, साल करके गाता है। ओके, ये मेन डोर के लिए है क्या? हाँ, मेन डोर बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसमें। फिर अभी क्या होता है आजकल कि त्रिकट होती है और जो निचला हिस्सा होता है वहां पे चौखट चौखट नहीं होता है, वो ग्रेनाइट से या किसी मार्बल का या फिर किसी और अलग स्टोन का बना होता है, वो भी रॉन्ग है, फिर वो त्रिकट हो जाता है, चौखट नहीं होता है कि नहीं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैम समझ रहे हैं, एक मिनट, ती मराठी सांगते, दरवाजाला चौकट असते, दरवाजाला चौकट असते ना, फ्रेम असते की नाही, त्याला दरवाजा बसवलेला असतो, हा, तर त्या फ्रेमच्या जो खालचा भाग असतो जिथून आपण आतमध्ये येतो तिकडे उंबरा असतो ना, तो उंबरा आजकाल दगडाचा असतो किंवा मार्बलचा असतो, ग्रेनाइटचा असतो, पण लाकडाचा नसतो, बिल्डर लोक लाकडाचा उंबरा देतात असं नाही, मग ती लाकडाची फक्त त्रिकट होते। वास्तुशास्त्रामध्ये किंवा आपल्या शास्त्रामध्ये असं दिलंय की चौकट असावी, म्हणजे ती चौकट लाकडी एकाच लाकडाची बनलेली असावी, पण आजकाल कसं असतं मॉडर्न कन्स्ट्रक्शन मध्ये लाकडाची त्रिकट असते आणि खाली असतो तो एकतर कुठल्या तरी ग्रेनाइट मार्बल कुठल्या तरी
दगडाचा उमरा केलेला असतो. तर ते चुकीचं आहे, ते ऍक्च्युली बदलून तिकडे लाकडी उमऱ्या बसवायला पाहिजे. कुठल्या लाकडाचा जे फ्रेम मध्ये वापरलाय तेच वापरायचं, किंवा मग साग साल असं वापरू शकता. ओके, समज में आ गया सबको? हा, ये भी किसी बुक में नहीं लिखा है. विल नेवर फाइंड दिस थिंग्स. ओके, अभी आते हैं. अभी कभी कभी देखते हम दरवाजे में या इसमें क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, कभी कट्स होते हैं, होल होते हैं, तो ये ठीक नहीं होता है. इस ये पावर्टी इनवाइट करता है, मतलब इससे गरीबी आ जाती है, घर में धन की हानि होती है. तो देर शुड नॉट बी एनी क्रैक्स, एनी कट्स, एनी होल्स इन मेन डोर ऑफ द मेन एंट्रेंस. मैम एक बार वापस बोलो ना. देर शुड नॉट बी एनी क्रैक्स एनी कट्स और एनी होल्स इन द डोर ऑफ द मेन एंट्रेंस बिकॉज ऑफ दिस the family invite poverty. अच्छा, हमने पहले पढ़ा था कि सिमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो जो डोर की फ्रेम का प्रोपोर्शन भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी देखना चाहिए कि प्रोपोर्शनेट में हो फ्रेम और ये भी. ठीक है, तो डिसअप्रोप्रिएट या डिसप्रोपोर्शनेट डोर डिस्ट्रॉयज पीस इन द फैमिली. वहां पे रिलेशनशिप में फ्रिक्शन आता है. ओके, और जो मेन डोर, कभी कभी क्या होता है कि मेन डोर है और बहुत सारे अंदर के भी दरवाजे होते हैं, तो ऑलवेज मेन डोर की हाइट सबसे ज्यादा हो. द हाइट ऑफ द मेन डोर शुड बी मैक्सिमम देन डोर्स इनसाइड द हाउस. So no door in the house should be bigger than the main door in size. No door in the house should be bigger than the main door in size. The main door should always be opening inside, not outside. मतलब दरवाजा जैसे अंदर ही खुलना चाहिए वैसे ही होता है. और जब भी दरवाजा खोलते तो उसमें उसमें से आवाज नहीं आनी चाहिए. वाइल ओपनिंग द डोर देयर शुड नॉट बी एनी क्रैकिंग साउंड. वो हिंजेस में ऑयलिंग करना वगैरह ये रेगुलर करना पड़ता है. मेन एंट्रेंस जो है उसको जितना डेकोरेट करेंगे वो जितना बड़ा होगा उतना अच्छा. इट इज ऑलवेज गुड एंड इट इनवाइट्स पॉजिटिव एनर्जी व्हेन द डोर इज ब्यूटीफुली डिजाइन वेरी वेल डेकोरेटेड एंड ऑस्पिशियस शुभ चिन्ह आर प्लेस ऑन द डोर. जैसे गणेश जी को प्लेस करते हैं दरवाजे के ऊपर या स्वस्तिक लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑस्पिशियस साइंस अगर अपने अपने रिलीजन के हिसाब से करेंगे सो दैट रियली इनवाइट पॉजिटिव एनर्जी इन दैट हाउस. ठीक है, इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? नो मैम. ओके, कुछ टेक्स्ट से और कुछ मैसेज आए थे कि कुछ क्वेश्चन थे, कैन यू अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन? या ओके, तो एक दोष ऐसे होता है दरवाजे का कि तीन अगर डोर एक साथ सामने सामने आ गए ना, सपोज मेन एंट्रेंस है उसके बाद में एक रूम है और फिर वो भी दरवाजे दिखाई देता है, तो एक स्ट्रेट लाइन में तीन दरवाजे होना ही वास्तु दोष है. इट्स नॉट शुड नॉट बी देयर. ठीक है, ओके
Can you repeat it once, ma'am? Three doors in one line are not good for us. मेन एंट्रेंस उसके बाद में एक दरवाजा, उसके बाद में एक दरवाजा, मतलब तीन रूम्स एक ही लाइन में है, उसके दरवाजे मतलब मेन डोर से देखते तो तीन दरवाजे सामने दिखाई देते हैं और दो दरवाजे. सो थ्री डोर्स इन वन लाइन नॉट गुड फॉर वास, क्योंकि एनर्जी जो आती है मेन डोर से वो विद इन फ्यू सेकंड्स चली जाती है ना, वो लास्ट वो डोर से, उसका घर में सर्कुलेशन नहीं होता है. ठीक है, इसका लॉजिक आप समझ लो. हाँ ओके मैम. ये दरवाजा दरवाजे का हो गया. इसमें और किसी को क्वेश्चन है कि और कुछ सिचुएशन है कि दरवाजा ऐसे हुआ तो क्या, वैसे हुआ तो क्या? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. अभी हम विंडोज को देखते हैं. विंडोज का एक ही रूल है कि विंडोज ऐसे होनी चाहिए जहां पे मॉर्निंग की सनरेज, सूर्य की ऊर्जा घर में आनी चाहिए. सपोज अगर हम दरवाजे का कुछ नहीं कर सकते, वो अगर सन की ऊर्जा या पॉजिटिव डायरेक्शन वहां पे है लेकिन वहां से सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है या शुभ ऊर्जा नहीं आ रही, बिकॉज सामने या तो दूसरा घर होता है या फिर पैसेज होता है, एनीथिंग, तो ऐसे में क्या क्या अच्छा होता है कि अगर विंडोज है वहां से अगर मॉर्निंग सनरेज घर में आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स घर में आ रहे हैं, तो दैट इज वेरी ऑस्पिशियस. तो विंडोज के लिए ये इम्पोर्टेंट है. और दूसरा क्रॉस वेंटिलेशन, वो भी देखना चाहिए. ओके इसमें समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? नो मैम. हाँ, तो विंडोज शुड बी मेड इन द वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन फॉर क्रॉस वेंटिलेशन, but there should be at least one window, one window that will make morning sunrise enter in the house. मैम एक बार ये वापस रिपीट करो ना, कौन से डायरेक्शन में? विंडो शुड बी मेड इन द वेस्ट डायरेक्शन. As well as south direction for cross ventilation. क्योंकि हवा जो है वो वेस्ट से आती है. And there should be at least one window in the east or northeast direction. That will bring morning sunrise in the house. There should not be any window in the southwest. Why? Because afternoon rays, sun rays are harmful for the health. There should not be any window in the southwest direction. Yeah, southwest wall. Why? Because afternoon sun rays are harmful for health. ओके अभी इसमें कुछ क्वेश्चन है? नो मैम. तो विंडोज अगर सही हो तो जो फ्लो होता है वो अच्छा रहता है वास्तु में. एनर्जी फ्लो अच्छा रहे. मैम डोर का ओपनिंग का कुछ है क्या? कौन सा डोर ओपनिंग? हाँ डोर ओपनिंग का है, लेकिन एक्चुअली इसमें दो दरवाजे होने चाहिए. अभी जैसे फ्लैट सिस्टम एक ही होता है ना, तो इसको राइट साइड से अंदर खुलना चाहिए. वो अगर हम दरवाजा खोलते हैं ना तो राइट हैंड साइड पे अंदर जाना चाहिए. कोई भी चीज है ना, एक थंब रूल आप ध्यान में रखो, कोई भी चीज है वो, कोई भी आपका सर्कुलेशन है वो अगर स्वस्तिक आकार होता है या फिर क्लॉकवाइज होता है तो उसमें एक रिदम क्रिएट होता है. दैट इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर एनर्जी सर्कुलेशन और हमारे बायो रिदम के लिए. और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो ठीक नहीं होता है.
व्हाई? बिकॉज अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ खुद की खुद को भी चक्कर लगाती है ना पृथ्वी, वो कैसे लगाती है? वेस्ट टू ईस्ट लगाती है, उसका एंटी क्लॉक वाइज लगाती है। तो एंटी क्लॉक वाइज लगाती है तो हमारा रिदम क्लॉक वाइज होना चाहिए। इसके लिए दरवाजा ओपनिंग हो, चाहे कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है या हमारा कुछ भी है, तो हमें प्रदक्षिणा मार्ग से करना चाहिए। ओके ओके मैम। या तो ये कैसे आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और लॉजिक समझ में आना चाहिए। मैं तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, कवर करते हैं थोड़ा सा। व्हाई? बिकॉज बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग इसमें। तो नेक्स्ट है अभी किचन है, तो किचन कहाँ पे होना चाहिए? कैन यू आंसर? कैन एनीवन आंसर? व्हाट इज द आइडियल पोजीशन फॉर द किचन? हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया है। साउथ ईस्ट। एग्जैक्टली। क्यों? वहां पे अग्नि का स्थान है ना, इसलिए। करेक्ट। तो कभी भी इंटीरियर वास्तु अगर हम करते हैं तो उसमें ये देखना है कि जो वहाँ का तत्व है, मूल बेसिक तत्व है, वहीं पे अगर किचन आता है तो वो अच्छा है। साउथ वेस्ट में पृथ्वी तत्व है तो वहाँ पे बेडरूम होना अच्छा होता है, लाइक दैट। तो किचन हमेशा ही साउथ ईस्ट में सबसे बेस्ट है, और किचन साउथ ईस्ट में नहीं होना ये वास्तु दोष है बड़ा। ओके, तो फायर और वाटर आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ, हमारे जीवन में। तो इसलिए किचन शुड ऑलवेज बी इन द साउथ ईस्ट जोन, और वो भी अभी जो वास्तु पुरुष मंडला हमने देखा है उसमें नभ करके एक पद है या देवता है साउथ ईस्ट में। तो एग्जैक्टली वहां पे वो गैस का बर्नर होना चाहिए एज पर वास्तुशास्त्र। आप चाहे तो नोट कर लो कि the burner, gas burner should be placed in the nabha pada as per vastu shastra. तो ये इसको कैसे निकालेंगे आप? आप कोई भी लेआउट ले लो, उसको 81 डिवीजन में जो अभी अगर आप ऑटो कैड करते हो आपको आता है तो उसमें डिवाइड करके कमांड है 9/9 डिवाइड 9/9 करके 81 डिवीजन में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, डिवाइड करो, और फिर आपको 81 डिवीजन में ये सारा लिखना पड़ेगा कि कौन सी देवता कहाँ पे है। इसमें नभ पद आता है, वहां पे एग्जैक्टली गैस का बर्नर होना चाहिए आइडियली। और किचन कहाँ पे नहीं होना चाहिए? सबसे वर्स्ट पोजिशन किचन के लिए है वो नॉर्थ ईस्ट है। क्यों है? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द रीजन Why kitchen should not be there in the northeast? Northeast क्या है? जल तत्व। डिवाइड कैसे करना है? देखो कोई भी लेआउट अगर आप ले लो, कोई भी लेआउट, वॉल टू वॉल उसका पूरा मेजरमेंट आपके पास होना चाहिए। वो लेआउट को 81 डिवीजन में डिवाइड करो 9/9। ऑटो कैड में 9/9 की एक कमांड होती है, डिवाइड कमांड है, डिवाइड 9/9 से 81 डिवीजन हो जाते हैं। वहां पे ये सारे देवता लिख लो, वहां पे उसमें साउथ ईस्ट में नभ देवता है, वहां पे गैस बर्नर की पोजीशन है एग्जैक्ट, तो सबसे बेस्ट है। साउथ ईस्ट में होना अच्छा होता है, लेकिन सबसे बेस्ट है नभ पद। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? यस। और किचन नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज वहां पे वाटर एलिमेंट होता है, और अग्नि और पानी का क्या है संबंध, कैसा है? दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। अग्नि को पानी बुझा देता है, ठीक है, और पानी कम है तो अग्नि क्या करते है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे के शत्रु है और दोनों एक दूसरे को बैडली इफेक्ट करते हैं। दैट इज वाई किचन शुड नॉट बी इन द नॉर्थ ईस्ट। किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो घर की फीमेल की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और पूरा पैसा है
किसी ने किसी बीमारी किसी न किसी की बीमारी में चला जाता, ये उसका इफेक्ट है। ये क्लियर हो गया किचन का? यस मैम। यस। और किचन में अभी इंटीरियर वास्तु के अनुसार जैसे हमने देखा कि कोई भी वजन है वो कहाँ पे होना चाहिए, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, उसी तरह किचन में जब अरेंजमेंट करते हैं तो किचन का जो नॉर्थ है उसको खाली रखना है। किचन का जो सिंक है, वाटर एलिमेंट किचन में यूज करना है, उसको साउथ ईस्ट की वो रूम के नॉर्थ कॉर्नर में उसको प्लेस करना है। और जितना भी जो भी स्टोरेज है उसको वेस्ट या साउथ वॉल पे करना अच्छा होता है। ओके लॉफ्ट एंड अलमारिया इन द किचन शुड बी प्लेस्ड इन साउथ और वेस्ट वॉल्स एंड नेवर ऑन द ईस्ट और नॉर्थ वॉल्स। लॉफ्ट एंड अलमारिया इन द किचन शुड बी made or placed on the south or west walls only, and there should not be any load, any almari, any storage on the east or north wall. Okay. और जो सिंक होता है किचन में जो हम वॉटर एलिमेंट यूज करते हैं वो कहाँ पर होना चाहिए? किचन के नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए या नॉर्थ में होना चाहिए। ओके मम्मी, फ्रिज कहाँ पे होना चाहिए एज पर वास्तु? कोई भी चीज है ना, अगर नॉर्थ या ईस्ट में ओपन होती है वो डायरेक्शन में उसका ओपनिंग होता है तो वो पॉजिटिविटी उसमें आ जाती है बाय डिफॉल्ट नेचुरली, बिकॉज द रिसीविंग फैक्टर इज फ्रॉम द नॉर्थ एंड ईस्ट। तो फ्रीज भी कहाँ पे ओपन होना चाहिए? या तो नॉर्थ में या फिर ईस्ट में, फ्रीज का डोर। और जो फ्रीज है उसकी बैक साइड कहाँ पे हो? या तो वेस्ट वॉल पे या साउथ वॉल पे। तो फिर उसमें अच्छा वो फंक्शन भी करता है, मेंटेनेंस नहीं निकालते और ज्यादा खाना बचना वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर है ये पॉइंट? मैम फ्रीज का एक बार वापस बताओ ना। फ्रिज है वो, फ्रिज शुड बी प्लेस्ड ऑन दी साउथ और वेस्ट वॉल एंड फ्रिज डोर शुड बी, द डोर शुड ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ और ईस्ट वॉल, ईस्ट डायरेक्शन। ओके यस मैम। और जो नॉर्थ ईस्ट का सिंक होता है जहाँ पे वाटर होता है, तो वाटर और फायर एलिमेंट साथ साथ में नहीं होना चाहिए। तो डू नॉट कीप वाटर एंड फायर एलिमेंट नियर बाय इन द किचन। नेवर कीप फायर एंड वाटर एलिमेंट नियर बाय इन द किचन। हेंस व्हाट हैपन्स, इट क्रिएट्स मेजर हेल्थ इश्यूज। किचन अगर साउथ ईस्ट में नहीं है तो दूसरा कहाँ पे स्थान हो सकता है? ये आप लिख लो ठीक से, बेटर है। तो साउथ ईस्ट में होना अच्छा है, सेकंड बेस्ट पोजीशन है ईस्ट, थर्ड बेस्ट पोजीशन है नॉर्थ वेस्ट, फोर्थ बेस्ट पोजीशन है वेस्ट। ये चार छोड़ के बाकी कहीं भी किचन हो तो बड़ा दोष हो जाता है, इट इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है? ओके मैम। ओके, तो ये किचन का हमारा हो गया। ये मैंने फ्लोरिंग वगैरह इसमें वो स्लोप का वगैरह वो सेम है इसमें, ऐसा कुछ नहीं कि अलग है। और जो लेडी है वाइल कुकिंग शी शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। The lady in the family while cooking, her face should be towards the east.
डाइनिंग एरिया इन द किचन इज ऑल्सो एडवाइजेबल इन दिस रीजन. डाइनिंग टेबल इज गुड इफ इट इज प्लेस्ड इन द साउथ. ऐसे देखा कि नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो फीमेल को हेल्थ इश्यूज होते हैं और बीमारी आती है. ऐसे अगर वेस्ट में या साउथ वेस्ट में हो तो क्या होता है? लॉसेस होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं. पैसा टिकता नहीं है वो घर में, ठीक है. और प्रॉपर्टी, वो सपोज प्रॉपर्टी तो बिकती नहीं है, मतलब मेजर लॉसेस होते हैं. इंस्टेबिलिटी आ जाती है फैमिली में, स्टेबिलिटी स्थिर नहीं रहता. ओके ओके मैम. मेरे को डाउट है. एनी डाउट्स? एक बार चाय को पढ़ लो फिर. हाँ फिर कुछ अगर इफ एनी वन हैज डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन पुट द क्वेश्चन ऑन अवर ग्रुप वासी शास्त्र ग्रुप. मैम डाइनिंग टेबल का नहीं समझ में आया. डाइनिंग टेबल का आप लिख लो, मैं बताती हूँ उसका भी कंप्लीट करते हैं अभी. डाइनिंग रूम अभी आजकल क्या डाइनिंग एरिया प्रिसाइजली दूसरा रखते हैं. तो डाइनिंग रूम इट इज ऑलवेज गुड इफ इट इज इन द वेस्ट जोन. पश्चिम दिशा में बेस्ट है डाइनिंग रूम. ओके डाइनिंग रूम नॉर्थ में और ईस्ट में भी बेस्ट है, सेकंड बेस्ट. डाइनिंग टेबल शुड नॉट बी ओवल इन द शेप. दैट मीन्स डाइनिंग टेबल शुड बी ईदर स्क्वायर और रेक्टेंगल. देन द डाइनिंग टेबल शुड नॉट टच एनी वॉल. और It should not be folding against the wall. And most important, there should not be any attached toilet to the dining room or where the dining table is placed. मतलब पे आपका डाइनिंग टेबल रखा है वहां पे टॉयलेट की वॉल पास में नहीं होनी चाहिए, दूर होना चाहिए वो एरिया. ठीक है, अभी इसमें कुछ डाउट से इतना ही इम्पोर्टेंट है डाइनिंग एरिया के लिए. एनी डाउट्स? इसमें कुछ है क्वेश्चन आप लोगों को? नो मैम. ओके तो अब हम यहाँ पे रुकते हैं और फ्राइडे को मिलते हैं फिर. ठीक है.